असिस्टेंट और दो गार्ड के साथ वहाँ पर आती है, जो गाँव वालों को बताती है कि अब वो गाँव वालों की सारी प्रॉब्लम खत्म कर देगी और उन्हें जल्दी अमीर बना देगी, जिसके बाद वो भी एक बहुत अच्छी लाइफ जी सकेंगे। गाँव वाले काइलिना की ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन काइलिना जब उन्हें बताती है कि अमीर बनने के लिए उन्हें मैजिकल फॉरेस्ट से लकड़ियाँ काट कर बेचना होगा, तो सारे गांव वाले डर जाते हैं और वहां से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि मैजिकल फॉरेस्ट में जाने पर वहां के डीमन उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगले सीन में हम मावका को देखते हैं, जो मैजिकल फॉरेस्ट के प्यारे जीवों के साथ मस्ती कर रही थी। मैजिकल फॉरेस्ट में जब मावका एक जंगली बिल्ली के बच्चे का पैर ट्रैप में फंसा हुआ देखती है, तो वो उसे उससे आजाद कर देती है, जिसके बाद वो बच्चा अपनी माँ के साथ वहां से चला जाता है। मावका इसी तरह मैजिकल फॉरेस्ट के जानवरों की हमेशा मदद किया करती थी, जिससे सभी उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे। अब मावका के छोटे दोस्त जब उसे बताते हैं कि गार्डियन उसे बुला रहे हैं, तो वो जल्दी से गार्डियन से मिलने के लिए जाती है। गांव में जो लेडी लुकस के अंकल का इलाज कर रही थी